Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel and welcome to another painting. And today I'm going to paint with these brushes you can see on the screen. So हमारे पास जो canvas है उसका size 8 inch है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी एक palette knife, इससे हमने काम लेना है और साथ में लेना है हमने एक color palette और इन acrylic color से हम painting बनाएंगे. So first हमारे पास cobalt blue color है और yellow color लेना है इस पेंटिंग को बनाने के लिए. साथ में ब्राउन कलर लेंगे, डार्क ग्रीन कलर और वाइट कलर हमने ऐड करना है इन कलर्स को लाइट बनाने के लिए और साथ ब्लैक कलर यूज़ करना है. सो आज की पेंटिंग हम इन कलर से बनाने वाले हैं और साथ में हमने रेड और ऑरेंज कलर भी यूज़ करना है, ये मुझे भूल गया था बताना. और फ्रेंड्स आप यहाँ पर हम कलर्स ले लेंगे कलर पैलेट पर जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी चुकी हूँ. तो यहाँ पर कलर लेने के बाद हमारे पास जो कैनवस था कैनवस है उसको हमने वेट कर लेना है किसी बड़े फ्लैट ब्रश के साथ ताकि यहाँ पे हम जो भी कलर ऐड करें वो इजीली ब्लेंड होते जाएं. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पर्पल कलर पहले ऐड किया है. सो उस पर्पल कलर को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कॉबलेट ब्लू कलर और साथ में रेड कलर को ऐड किया है ताकि पर्पल कलर बन जाए. मेरे पास पर्पल कलर नहीं था सो मैंने इसे खुद ही बना लिया दो कलर्स को मिक्स करके. तो आप इस तरह बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हमें सारे शेड ही हमारे पास हों कलर्स के. आप खुद भी बना सकते हैं डिफरेंट शेड्स, जैसे कि आप ऑरेंज कलर बनाना हो तो आप येलो और रेड कलर को मिक्स करें तो ऑरेंज कलर बन जाता है. सो इस तरह बहुत से कलर हैं जो ऐड करने से डिफरेंट शेड्स बना लेते हैं. मेन हमारे पास मेन कलर्स होने चाहिए ताकि हम उनसे डिफरेंट शेड्स बना लें. मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है कलर मिक्स करने में, क्या आपको आता है? अगर मज़ा आता है कलर मिक्सिंग में तो कमेंट सेशन में कमेंट करें मुझे. एंड गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से जाएं पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. और साथ में ही मेरे चैनल को शेयर भी करें और आप कमेंट करें मुझे कि मैं किस तरह की पेंटिंग बनाऊँ. आप कमेंट करेंगे तो मुझे उस वक्त पता चलेगा कि आपको किस तरह की पेंटिंग्स पसंद हैं, तो मैं उस तरह की बनाने की कोशिश करूँगी. तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि आज मैं कौन सी पेंटिंग बना रही हूँ, कौन सा सीन बना रही हूँ पेंटिंग में. तो आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैं एक वैली बना रही हूँ. सो वैली में क्या होता है, दरख्त होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो इस तरह का कुछ हमने सीन बनाना है. लेकिन उसे बनाने से पहले यहाँ पर मैं स्काई बना रही हूँ. स्काई की ब्लेंडिंग हमारी जब कम्प्लीट हो जाएगी तो हमने यहाँ पर एक सन बना देना है. सो सन भी हमने इस तरह बनाना है कि रियल लगे. सो उसकी रियल लाइट बनाने के लिए ना उसके लिए आपको मेरी पेंटिंग साथ साथ देखनी पड़ेगी, एंड तक देखना पड़ेगा पेंटिंग को फ्रेंड्स, तभी जाके आपको पता चलेगा कि एक रियल सन लाइट या रियल सन हम कैसे बना सकते हैं पेंटिंग में. एंड आई होप आपको आज का ये कलरफुल स्काई पसंद भी आएगा. अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा. सो हेयर आई मेक अ लाइट ऑरेंज कलर और इसके साथ ही मैं पर्पल कलर भी बना रही हूँ और इन दो तीन कलर्स को मिक्स करके यहाँ पे ऐड कर देना है. सो लाइट ऑरेंज कलर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है लेफ्ट और राइट साइड पे और इसके सेंटर में मैंने वाइट कलर ऐड किया है और अब यहाँ पे इसको ब्लेंड कर दिया है. सो फ्रेंड्स की वॉचिंग एंड एंजॉय एंड वॉच टिल एंड.